बड़ा रिस्क था कि मैंने इसको अपने साथ में। रैन के बाद तो ऐसी जिंदगी हो गई है कि बस बहुत ही ज्यादा टफ लगना जाए। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से था, जैसे मैंने 7.5 साल नहीं मनाया था जो कि बहुत ज्यादा लेट हो गया था, मैं उसको उनसे खाना नहीं खाने देती। फिर रैन के बाद तो ऐसी जिंदगी हो गई है कि बस बहुत ही ज्यादा टफ, बहुत ही ज्यादा जो है वो बिजी रूटीन हो गई है। तो जहाँ पे मैं अपना सालन जो है अपना टाइम पे बना के रख देती थी, यहाँ पे आइए मेरे साथ और मैं आप लोगों को अपनी डिनर की रूटीन बताती हूँ। और मैं अपनी रूटीन जो बहुत ही ज्यादा जो है वो बिजी हो गई है कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ रैन के बाद, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ तो मुझे जो है वो रैन को भी मैनेज करना होता है, अपने घर को भी मैनेज करना होता है। तो इसलिए जो है मैं आज मैंने सालन नहीं मनाया था जो कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मैंने कल भी नहीं मनाया था, मतलब इसे एक दिन पहले भी नहीं मनाया था और मैंने इस नाइट को भी नहीं मनाया था। अच्छा इससे पिछले दिन रैन के पापा जो है वो बाहर से लेकर आ गए। तो यहाँ पे मैंने सोचा आखिर कब तक जो है वो हमने नहीं करना, तो हिम्मत जुटा के तो मेरी कोशिश होती है कि जब रैन के बाबा जो है वो शाम को 7 बजे आते हैं मगरिब की नमाज के बाद, तो वो इशा की नमाज पे जाने से पहले जो है मैं सालन जो है वो मेरा रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जो है जल्दी जल्दी से जो है जिस स्पीड से ये यहाँ पे कैमरा चल रहा है इससे भी डबल स्पीड से जो है मैं काम करती हूँ कि उन चल झूठा के जाने से पहले जितना भी मेरा चिकन है या जो भी सालन है वो फ्राई हो जाए, बाकी उसको ग्रेवी बनाने के लिए रख दूं। और हुरैन जो है, क्योंकि मेरा किचन इतना छोटा है कि मैं हुरैन को बहुत कम जो है यहाँ पे लेके आती हूँ, एडजस्ट करती हूँ। 2-3 बार वो गिर भी चुकी है प्राइम पे, उसको खड़ा कर दूँ, बिठा देती हूँ लेकिन वो खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से ही सीन था, मैं जल्दी जल्दी जो है वो कर रही थी। यहाँ पे मैंने पहले प्याज काट लिया, उसको जो ब्राउन होने के लिए जैसे ही मैंने डाला तो मैंने सोचा साथ में उसमें चिकन भी डाल देती ताकि ये जो है जल्दी से दोनों एक चीजें जो है वो इकट्ठे ही फाइनल हो जाए। साथ साथ मैं दूध भी गर्म कर रही थी। और तभी मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मैंने एक टमाटर भी कट करके रख दिया, आलू भी कट करके रख दिया। नमाज पे जाएं तो मुझे सिर्फ चीजें डालनी हो, रैन को उठा के भी पेशक खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन ये ना हो कि कट शट करने वाला वो इस तरह से होता है कि मुझे करने ही नहीं देती। उसकी हो गया जी। कोशिश होती है कि मैं अगर उसको किचन में लेके आई हूँ तो मैं उसको उठाए रखूँ, अगर मैं उठाए रखूँ तो उसकी कोशिश होती है कि ये मुझे नीचे छोड़ दे। तो बस कुछ ऐसे ही था, बस जल्दी जल्दी से मैंने सालन बनाया। यहाँ पे जो है मैंने जितने भी स्पाइसेस आप लोग भी यही डालते होंगे मोस्टली, जो मैं भी डालती हूँ, झटपट से मैं चिकन इस तरह से बनाती हूँ। प्याज को और चिकन को जब मैं इकट्ठे फ्राई कर लेती हूँ, जो भी मसाले होते हैं वो एक साथ डाल देती हूँ, जैसे लाल मिर्च पाउडर हो गया, गरम मसाला हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, और साथ में जो है वो अदरक पाउडर। कभी मेरे पास अगर टाइम ना हो कि मैं लहसुन और अदरक को ना ग्राइंड कर सकूँ तो मैं क्या करती हूँ कि उनका पाउडर भी मेरे पास अवेलेबल होता है तो मैं वो भी डाल देती हूँ। और एट द एंड जो चिकन को जैसे ही मैं फ्राई कर लेती हूँ उसके एंड पे जो है वो मेरे पास जो भी मसाला जिस किस्म का भी मसाला होता है ना वो मैं जरूर डालती हूँ, चाहे वो चिकन कढ़ाई का हो, कढ़ाई हो, या फिर अचार गोश्त हो, या फिर कोरमे का जो भी होता है वो मैं एंड में डाल देती हूँ ताकि एक अच्छा सा उसका फ्लेवर जो है वो आए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नहीं लहसुन जो है वो मैं नाइफ से जो है वो मैं क्यों कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में मेरा यही होता है कि मैं जितना जल्दी हो सके मैं कर लूँ। यहाँ पे हुरैन के पापा भी चले गए थे तो हुरैन को मैंने यहाँ पे प्राइम पे बिठा दिया था। मतलब ये बहुत बड़ा रिस्क था कि मैंने इसको अपने साथ बिठाया। ये ऐसी है ना कि जैसे ही मैंने साइड चेंज की ना इसने उठ के खड़े हो जाना, या फिर कभी किस चीज को पकड़ लेना, कभी किस चीज को पकड़ लेना, यहाँ पे भी इस नाइफ को पकड़ के मुंह में डाल देती है। जैसे इसको बोलो कि हाई नहीं करना तो ये इतना डर जाता है कि ये भी डर होता है कि जैसे ही वो चौंकेगी तो इसको लगना जाए। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से था, जैसे मैंने साइड चेंज की इसने छुरी पकड़ ली और उससे खेलना शुरू हो गया। और उसके बाद जी मैंने यहाँ ग्रीन अनियन, लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी फ्राई करके इसमें डाल दिया। ना मैंने यहाँ पे जो था ना मेरे पास था चार गोश्त का मसाला था, मैंने वो वाला इसमें जो है वो डाल दिया था। मेरे मुझे नहीं पता ये मेरा कैमरा इसने कब अपनी तरफ घुमा लिया और ये खुद अपने खुद को ही रिकॉर्ड करने खड़ी हो गई। फिर मैंने चले चले थोड़ी सी जो है ये लगी हुई है, तब तक जो है मैं अभी मैंने पानी डाल के इसकी ग्रेवी बनाने के लिए जो मैंने रख दिया था जब तक ये वो, तब मैंने बंद कर दिया था क्योंकि ज्यादा देर ये मेरे साथ किचन में रहती नहीं है, और अगर रहती है तो इसकी कोशिश होती है दुनिया जहान की हर चीज इसके हाथ में। तो इसको लेके मैं कमरे में आ गई थी और चूल्हा भी बंद कर दिया था। फिर वापस जब हुरैन के बाबा आए थे रोटियां बाहर से लेके आए थे, रायता भी बाहर से ही लेके आए थे, और जैसे ही वो सारी चीजें बाहर से लाए थे तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है स्पीड जो है उसकी अपने साथ साथ मैंने चूल्हे की स्पीड भी डबल से ट्रिपल कर दी थी। क्या बात है सर, क्या बात है। जैसे वो जो है मैंने इसमें हरी मिर्च में एंड में डालती हूँ, उनका जो मुझे टेस्ट है ना हरी मिर्च का मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और धनिया भी मैंने एंड पे डाल के रोटी वगैरह सारा कुछ करके तो यहाँ पे जो है हमारा डिनर स्टार्ट हो गया था। अब डिनर के टाइम पे जो हुरैन करती है ना उसका कोई जो है वो मिसाल नहीं है। तो यहाँ पे देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा है ना, ये इसकी कोशिश होती है कि ये सबसे पहले जो है ये रोटी जो कवर करने वाला कपड़ा होता है ना इसको पकड़ के इसने जो है ना रोटियां अपनी तरफ खींच लेनी होती है इसकी, जरा ये जो है ना हम इसको उनसे खाना नहीं खाने देती। फिर मेरा ये होता है कि इसके लेदर से प्लेट बना देती हूँ। तो यहाँ पे हमने जो है वो यहाँ पे डिनर इंजॉय किया, और यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो हमें बहुत ही ज्यादा तंग कर रही थी, इतना तंग कर रही थी कि मैं इसको जो है डिनर में स्पेशल इसके लिए कुछ नहीं बनाती, लेकिन यहाँ पे मैं इसके लिए जो है एक यहाँ से बॉडी निकाल लेती हूँ, चिकन का एक पीस निकाल के इसको साफ करके वो खिलाती हूँ। 2000 years later यहाँ पे मेरी बेटी की खुशी का ठिकाना ही नहीं है क्योंकि अब जो है उसकी माँ जो है वो बेड पे आके बैठ गई है। ऐसी कुछ ऐसी मस्ती होती है, बस अम्मा आके मेरे साथ बैठी रहे और कुछ भी ना हो। चलें जी, मुझे दिन जल्द मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर।